निश्चित रूप से इस खबर ने इंदौर ही नहीं पूरे देश को चौंका दिया कि राष्ट्रीय संत का दर्जा प्राप्त भैयू जी महाराज ने खुद को गोली मार ली और कुछ ही देर में उनकी मृत्यु भी हो गई। इंदौर में यह खबर बहुत तेजी से फैली और लोग एक दूसरे से इसके कारण को लेकर बात करने लगे। सवाल इस बात का है कि आध्यात्मिक वैभव से संपन्न हिंदुस्तान के सबसे सुंदर संत को आखिर आत्महत्या का निर्णय क्यों लेना पड़ा। निश्चित रूप से पुलिस अपनी तहकीकात में बहुत सारे कारणों को बता रही है और यह भी कहा जा रहा है कि भैयू महाराज अपने सेवादार और लड़की की साजिश का शिकार हुए और इसी वजह से उन्होंने खुद को गोली मार ली। लेकिन भैयू जी महाराज जानते थे कि उन्हें इस बात का यकीन नहीं हो रहा है कि वे आत्महत्या का निर्णय कैसे ले सकते हैं। भैयू महाराज ने पिछले दिनों एक धर्म कॉन्क्लेव कराया था जिसमें उनकी भागीदारी देखते ही बनती थी। उनके ही निमंत्रण पर देश भर के संत इंदौर में इकट्ठा हुए थे और दो दिन का आध्यात्मिक कुंभ हुआ था। यहाँ यह भी उल्लेखनीय बात है कि 1:57 पर भैयू जी महाराज ने मासिक शिवरात्रि को लेकर अपना ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि मासिक शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहते हैं। दोनों पंचांगों में यह चंद्रमास की नामकरण प्रथा है और इसे अलग अलग करती है। मैं सभी भक्तगणों को इस पावन दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस ट्वीट के बाद 2:40 पर यह खबर आई कि उन्होंने खुद को गोली मार ली है। भैयू महाराज सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय रहते थे। उन्होंने फेसबुक पर मंगलवार को मौत की खबर आने के कुछ समय पहले ही पोस्ट भी डाली थी और उन्होंने 1:00 के लगभग अपनी आखिरी पोस्ट में कृषि जल स्रोत और किसानों की समस्या पर लिखा था। इससे पहले आज ही उन्होंने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके साथ भी अपनी एक तस्वीर साझा की थी। फेसबुक की पोस्ट में भैयू जी महाराज ने लिखा था, हमारी संपूर्ण अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। आज देश में जल की पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं, इसका कृषि पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है। भूमि के गिरते जल स्तर को देखते हुए हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम जल को संजोएं। लेकिन वर्तमान समाज की अमर्यादित तथा उपभोगवादी विचारधारा के चलते प्रकृति का चक्र भी प्रभावित हुआ है जिसमें समय पर वर्षा न होना शामिल है। कृषि जल हमारे लिए जीवन के साथ ही स्थायित्व और अस्तित्व के लिए जल संवर्धन व संधारण अति आवश्यक है। इसके लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जाने की जरूरत है। सूर्योदय परिवार द्वारा मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र के कई शहरों और गांवों में तालाबों का निर्माण तथा गहरीकरण किया गया जिससे वर्षा के जल का संरक्षण किया जा सके और भूमि में जल का स्तर बढ़ सके। इस योजना के अंतर्गत समाज में जल की महत्ता और उपयोगिता के साथ साथ वर्तमान उपलब्धता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शिविर तथा कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। सूर्य जल संधारण एवं जल संवर्धन योजना के तहत अब तक 1257 तालाबों का निर्माण किया गया है। सोशल मीडिया पर भैयू जी महाराज के फेसबुक पेज को 274,205 लोगों ने पसंद किया था और 271,872 लोग इसे फॉलो करते थे। मध्य प्रदेश में भैयू जी महाराज को शिवराज सिंह सरकार द्वारा राज्य मंत्री का दर्जा भी दिया गया था। भैयू जी महाराज का असली नाम उदय सिंह देशमुख था। उन्होंने कपड़ों के एक ब्रांड के लिए मॉडलिंग भी की थी। महाराज का देश के दिग्गज राजनेताओं से संपर्क था और वे शुजालपुर के जमींदार परिवार से ताल्लुक रखते थे। भैयू जी महाराज 2011 में चर्चा में आए थे जब उन्होंने अन्ना हजारे के अनशन को खत्म करवाने के लिए तत्कालीन केंद्रीय सरकार द्वारा उन्हें दूध बनाकर भेजा गया था। इसके बाद उनके ही हाथों से जूस पीकर अन्ना ने अनशन तोड़ा था। भैयू जी महाराज ने अपनी पहली मृत्यु के बाद 1 वर्ष पहले ही दूसरा विवाह किया था। भैयू जी के बारे में उनके नज़दीकी लोग बताते हैं कि वे तंत्र मंत्र के जानकार भी थे। वे समस्याओं को लेकर आने वाले लोगों की समस्याएं उनके बगैर बताए ही जान लेते थे और फिर उनका समाधान करते थे। कुल मिलाकर भैयू महाराज अपने ही सेवादार और लड़की पलक की साजिश का शिकार हुए, यही कहानी अभी तक पुलिस के हाथ आई है।
नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचें।